मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट ऑफ जनरल स्कूल। आज अपनी क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर जो अपना चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स, ठीक है, उसके अपन एक्सरसाइज कर रहे थे 1C, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसका फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ाया था, ठीक है। आज इसके सेकंड पार्ट का अपन क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर एक्सरसाइज पूरी करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पढ़ा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है, 1C का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए 1C का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो ये है, मैन विड्रॉज रुपीज 200, व्यक्ति है जो 200 रुपए प्रति दिन अपने सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है, ठीक है, बचत खाता उससे विड्रॉ करवाता है, कितने दिन तक करवाता है, फॉर 5 डेज, ठीक है, 5 दिनों तक करवाता है। फिर पूछा गया हाउ मच मनी डज ही विड्रॉ ओवर दीज 5 डेज, इन 5 दिनों में कितने पैसे विड्रॉ करवाता है, लगातार 5 दिन कर रहा है, रोजाना 200 कर रहा है, तो सीधा सा आंसर 1000 हो जाएगा। करने का तरीका आपका क्या रहेगा, टोटल इसमें जो टाइम बच रहा है कितना लग जाएगा आपको, देखिए टोटल मनी कितनी विड्रॉ हो जाएगी 5 डेज में, आपके मनी विड्रॉ पर डे, ठीक है, रोजाना व्यक्ति कितने रुपए निकाल रहा है बैंक से और कितने दिनों तक निकाल रहा है, नंबर ऑफ डेज से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 × 5 यानी 1000 रुपीज, 1000 रुपीज को जो है व्यक्ति अपने सेविंग बैंक अकाउंट से रोजाना 200 रुपए पर डे के हिसाब से 5 दिन का 1000 रुपए निकाल लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, देखिए मैडम एक वर्ड प्रॉब्लम है, अ कूलिंग मशीन, एक मशीन है जो ठंडा करती है, रिक्वायर्स दैट रूम टेंपरेचर बी लोअर फ्रॉम 52 डिग्री सेल्सियस, एक रूम है उसका टेंपरेचर 52 डिग्री है, बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर बता रहा है, ठीक है, हो सकता है उसमें मशीन लगी हो, 52 डिग्री सेल्सियस का उसका रूम टेम्परेचर है, तो उसको कूल करना पड़ेगा, मशीन जहाँ लगी होगी तो उसको कूल करना पड़ता है ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो टेम्परेचर को लो करती है, तो यहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर उसको लो करना है, एट द रेट ऑफ 60 डिग्री एवरी हाफ एन आवर, ठीक है, 6 डिग्री तक तापमान जो होगा 60 डिग्री सेल्सियस को हर आधे घंटे में वो कम करेगी, ठीक है मशीन। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी रूम टेम्परेचर इन 5 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, ठीक है, जब प्रोसेस बिगिंस करते हो उसमें रूम टेम्परेचर कितना होगा, 52 डिग्री, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है वहां पे होगा, ठीक है। फिर वो हर आधे घंटे में 6 डिग्री कम करेगी और लगातार 5 घंटे तक मशीन चल रही है, तो हर आधे घंटे वो 6 डिग्री कम करेगी, पहले आधे घंटे में 6, फिर आधे घंटे में 6, यानी पूरा 1 घंटे में कितना कर देगी, 12 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगी, ठीक है। इस प्रकार से वो 5 घंटे में कितना करेगी, 60 डिग्री कैसे करेगी, मैं प्रोसेस में बताता हूँ और वो अपन मैनेज करके देखेंगे। तो रूम टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि लोड आफ्टर 5 आवर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग ऑफ टेम्परेचर, वो किस दर से टेम्परेचर को कम कर दिए मशीन, इंटू नंबर ऑफ हाफ आवर्स एंड 5 आवर्स, 5 घंटे में आधे आधे घंटे कितने होते हैं उससे अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना कर दिए, 60 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिए पर हाफ आवर में, ठीक है, 5 घंटे में कितने हाफ आवर्स होते हैं, 1 घंटे में 2 आवर्स होते हैं, ठीक है, 2 घंटे में 2 आवर्स होते हैं ना, आधे घंटे जो है वो पूरा 1 घंटा बन जाता है, तो 5 आवर्स आपके कितना जाएगा, 10 आवर्स, तो 60 × 10 आपको कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा 5 घंटे में। अब टेम्परेचर पहले कितना था इनिशियली, 52 डिग्री सेल्सियस का, कम कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 52 − 60 यानी −8 डिग्री सेल्सियस, यानी अभी एट प्रेजेंट जो रूम का टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा, −8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा रूम हो जाएगा, ठीक है, कूलिंग टेम्परेचर से नीचे 0 डिग्री से, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, यहाँ मेंशन किया मैंने, आप देख लेना, आप ठीक है स्क्रीनशॉट में ऐड किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 पर बैग, एक सीमेंट कंपनी है उसको एक बैग के ऊपर ₹8 का प्रॉफिट मिलता है, व्हाइट सीमेंट के ऊपर सफेद सीमेंट पे बेचने पर, एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, जो ग्रे सीमेंट आती है ना मटिया सीमेंट, ठीक है, उसका एक बैग बेचने में उसको कंपनी को ₹5 का नुकसान होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ये पूछा गया है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है, कंपनी व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेच रही है, 3000 बैग्स बेच रही है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको ₹8 पर बैग का, ठीक है। फिर सेकेंड वो क्या कर रही है, 5000 बैग्स जो है ग्रे सीमेंट के भी बेच रही है महीने में, ठीक है, जिनपे उसको ₹5 का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे व्हाइट सीमेंट को, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो निकालेंगे, तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग व्हाइट सीमेंट, ठीक है, एट द रेट जो भी इसकी रेट थी पर उसका जो प्रॉफिट, एट द प्रॉफिट ऑफ ₹1 पर बैग, तो 3000 × 8 कितना हो जाएगा आपका, 24000,
यानी उसको उस महीने में 24,000 का प्रॉफिट होगा, नफा होगा, कंपनी को फायदा होगा। बाइट्स में बैट जो है 8 रुपए पर बैट के प्रॉफिट पे 3,000 बैट बेच लेगा, ठीक है। फिर वो 5,000 बैट जो है ग्रे वाले भी बेचेगी, ठीक है, तो उसको उसको क्या हो जाएगा, लॉस होगा, ठीक है। वो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ सेलिंग ग्रे सीमेंट बैट इक्वल टू हो जाएगा बैट कितने बेच रही है कंपनी, 5,000। एक पे कितना लॉस हो रहा है, 5 रुपए का, 5 रुपीज का, कितना हो जाएगा 25,000 का, 25,000 का कंपनी को कितना जाएगा नुकसान रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका लॉस है ग्रे सीमेंट जो 5,000 कंपनी ने उसमें 25,000 का लॉस हो रहा है, और जो व्हाइट सीमेंट उसने बेची थी 3,000 बैग, ठीक है, 8 रुपए पर प्रॉफिट के हिसाब से 24,000 का मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ज्यादा है 25,000, ठीक है, लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट 24,000, ठीक है। ओवरऑल जो आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि आपका लॉस ज्यादा है, बहुत ज्यादा होगा तो लॉस ही होगा ओवरऑल, ठीक है। तो लॉस माइनस प्रॉफिट यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, ठीक है, 25,000 माइनस 24,000 यानी 1,000 रुपीज का इस कंपनी को उस महीने में लॉस होगा ओवरऑल, ठीक है। इसी के तहत जो स्थिति है 13 का बी, वो आपको होमवर्क में करना है, जो है मैंने समझा दिया है क्वेश्चन का, सेकंड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 14 जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, सेकंड में आपने क्या दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। जब आप तीन किसी नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट द प्रोडक्ट इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। कैसे देख लीजिए, यहां पे होता रहेगा -1 इनटू -1 इनटू -1, माइनस माइनस का जो प्लस, प्लस इनटू माइनस का जो माइनस, तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आ गया, नेगेटिव इंटीजर आएगा, यानी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1, ठीक है, जब वो -1 से मल्टीप्लाई होता है गिव्स इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे देगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करता है दोनों नंबर को तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अपन यहां देखते हैं 2 इनटू नेगेटिव इंटीजर क्या है -1, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा, ना कि 1/2 आएगा। अगर ये 1/2 आता तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, 2 इनटू 1/2 से 2 से 2 कटता और 1 आ जाता, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आना चाहिए, तो 1/2। अगर आ गया है तो माइनस का, तो उसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। गलत। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यूपी, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, ये भी फॉल्स होगा। तो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर, जैसे यहां नॉन जीरो इंटीजर मैंने 2 ले लिया, ठीक है, अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो एक इंटीजर आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका 1/2 होगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा 1 आएगा ऊपर से, तो यहां पे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इंटीजर नहीं है, 1/2 एक फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 0.5 होती है, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लास्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब जैसे मैं अगर कोई 2 नंबर लेता हूं उसको एक सीक्वेंस देता हूं a इनटू b की, ठीक है, और जो भी मेरा आंसर आता है फिर उसके सीक्वेंस को रिवर्स कर देता हूं, b इनटू a कर देता हूं, फिर जो भी आंसर आता है अगर वो दोनों सेम है तो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैंने a और b की जगह जैसे मान लो 3-4 लिया, तो 3-4 का मेरा कितना हो जाएगा 12, और यहां पे रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 इनटू 3, 4 तीसरा भी क्या हो जाएगा 12, दोनों केसेस में LHS RHS सिंपल आएंगे, इसका मतलब कम्यूटेटिव है, तो ये भी ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अब यहां पे आपका एक्सरसाइज जो है ये पूरी हो जाती है, इसके आगे का जो कांसेप्ट है अपन नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो होमवर्क आपको दे रखे हैं यहां पे मेंशन किए हो आपको सेल्फ।